हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V20 Pro स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस ये स्मार्टफोन नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर उसके सेकेंड वीक में लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको सेम देखने को मिल जाएंगी वीवो V20 के जैसी, लेकिन गाइस कुछ डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में और क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 765G का एक 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये एक बहुत ही न्यू चिपसेट है जिसमें आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन को लेकर, तो इसका डिज़ाइन आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा वीवो V20 के जैसा ही। इसमें आपको जो ग्रेडियंट फिनिशिंग देखने को मिलेगी और जो इसके कलर ग्रेडियंट है वो भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएंगे बैक पैनल पर। और गाइज, अब बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचज़ की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जैसा ही आपको वीवो V20 में देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइज, यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में एक बहुत ही बड़ी नॉच देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 44 मेगापिक्सल का और ये ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो V20 Pro के फ्रंट कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बेटर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में। और गाइज, बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप को लेकर, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है सेम वीवो V20 के जैसा ही, जो होने वाला है स्क्वायरी बॉक्सी कटआउट के अंदर और 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ ये आने वाला है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और गाइस इसकी कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहने वाली है। बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो 4000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। और गाइज, यहीं पर अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो अगर ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 765G के एक 5G चिपसेट के साथ आता है, तो गाइज इसकी प्राइसिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू वीवो V20 के, क्योंकि गाइज वीवो V20 आपको 25,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर इसका प्रो मॉडल 5G के साथ लॉन्च होता है तो उसकी प्राइसिंग आपको 35,000 के अराउंड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गाइज ये स्मार्टफोन 4G के साथ ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है तो इसकी प्राइसिंग आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। 30,000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर ये 4G सपोर्ट के साथ आता है। तो गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और किस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन आना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।